पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के समर्थन में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अब दिखाई दे रहे हैं। महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी उमंग सिंघार के समर्थन में कांग्रेस खुलकर सामने आई है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने डीजीपी से मुलाकात कर पूर्व मंत्री उमंग सिंघार को निर्दोष बताया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव में कार्रवाई की गई है। मृतका के बेटे ने कहा है कि उमंग सिंघार पर शक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उमंग सिंघार के खिलाफ कार्रवाई की गई। डीजीपी साहब से मिले और जो एफआईआर हुई है उमंग सिंघार जी विधायक और पूर्व मंत्री, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि इसमें जो एक्सपर्ट्स एडवोकेट्स और लीगल ओपिनियन है उसके हिसाब से तो बनती नहीं है, क्योंकि महिला ने कहीं उनका नाम लिया नहीं, उनके उस महिला का बेटा, उसकी उनकी माँ, उन सब ने कहा कि पारिवारिक संबंध थे और उनकी शादी होने वाली थी। अब उन्हें किस कंडीशन में और वो सुसाइड की है तो ये एक उसका मामला है जांच का, लेकिन कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है इनका नाम उमंग सिंघार जी का, और कहीं भी उस महिला ने जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें भी कहीं चीजें ये नहीं कही। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग आए थे डीजी साहब से कि इसको कैश किया जाए और इसमें कोई आगे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। डीजी साहब ने कहा कि ये इस तरह केसेस में हम करते हैं, लेकिन बगैर फैक्ट्स के और बगैर हर चीज को जांच करके कोई एक्शन नहीं लेते। कितना दर्द है, 2 लाख से ज्यादा मृत्यु मध्य प्रदेश में हो गई और मृत्यु जिसके कारण हुई वो भारतीय जनता पार्टी है, शिवराज सिंह चौहान है, उनका पूरा प्रशासन है जो ढंग से टैकल नहीं कर पाया। सवाल पूछते हैं कि मौत हो रही है, कमियां बताते हैं तो गालियां देते हैं पलट के। मैं मानता हूं कि नरोत्तम मिश्रा का मानसिक रूप से इलाज कराने की आवश्यकता है। रोज रोज कुछ न कुछ बयान ऐसा देंगे जिससे कि उनका जो दायित्व है उससे भटके मीडिया और पब्लिक। अरे आपका काम है मध्य प्रदेश में लोग नहीं मरे इसकी व्यवस्था करना, जो हॉस्पिटल वेंटिलेटर जरूरी दवाइयों पर काम करना, और आप रोज विपक्ष को गालियां देते हैं, जो मन में आता है वो बोलते हैं। और गृहमंत्री, ऐसा व्यक्ति जिसको गृहमंत्री बनाया वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में काम करा। शिवराज सिंह जी, नरोत्तम मिश्रा जी से इसी वक्त इस्तीफा लो, मुझे शक है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और कमलनाथ जी को रोज गालियां देना, डेली गालियां देना, कुछ न कुछ बोलना और अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करना, या उनका कोई अच्छे डॉक्टर को इलाज करवाना चाहिए, बताना चाहिए।